आज जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं वो जरीन शिल्ली के बारे में है। की कटाई का मौसम है, हर पास में परेशान है, मौसम में तब्दीली जल्दी जल्द हर पहुँचने की इस वाले से रैपर पंचर पंचर तो नहीं रैपर मिशन और पाकिस्तान में पावर एग्रो इकमात का नाम आज उसके चीफ एग्जीक्यूटिव दानिश अमीर साहब से हमारी मुलाकात है। हम उनके फॉर्म पर आए हैं, शोरूम पर मौजूद हैं। जी वालेकुम सलाम। जरा मेरे नाज़रीन, वैसे तो आप तारफ के मोहताज नहीं है लेकिन किसान साथियों को जरा तारफ करवा दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा नाम दानिश हमीद है और हम पिछले कई दहाइयों से किसान की खिदमत के लिए इन्हीं मशीनरों को डील करते हैं और कोशिश करते हैं हर नया दौर बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जाए और क्वालिटी की चीज़ दी जाए किसान को अपने। अच्छा, आज आप मेरे फार्मर को जी जो मशीनें देना चाहते हैं जी, ज़रा इन दोनों मशीनरियों की ज़रा तारफ नज़रा करेंगे। जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये जो मेरे राइट साइड पर मशीन खड़ी है, ये बंदा इसके पीछे पैदल चलता है, साथ साथ कटाई करके एक तरफ सफ़ बनाती जाती है, ठीक है, सिंपल। और ये अगर जी मेरे लेफ्ट साइड पर जो खड़ी, ये तीन टायरों वाली मशीन है, पाकिस्तानी मेड मशीन है और हम इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। ये पाकिस्तान में भी बनी है, अच्छी क्वालिटी की चीज बनी है, इसलिए हम प्रमोट करते हैं इसको, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट की बात करें तो 1,70,000 रुपए की ये मशीन। ये कितने में? अगर इसकी बात करें तो इसमें दो वेरियंट है, एक 3,65, ठीक है, और रहेगा 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख में क्या फर्क है? उसमें ये छत नहीं होगी और ये बैटरी उसमें ड्राई नहीं दी जाती, पानी वाली दी जाती है, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, ये एक घंटे में एक एकड़ कितने देर में कटाई करता है? ये अगर इसकी स्टेपर की बात करें तो ये एक मतलब एक से डेढ़ घंटे में एक एकड़ की कटाई करेगा। इसमें डेढ़ घंटे में कितना तेल कंज्यूम करता है? ये 3 से 4 लीटर पेट्रोल है, 450 करोड़ बहुत है। जी जी 450। ये जो मशीन है, ये आपका रैपर है, ये देर में कटाई करता है? ये 1 घंटा 20 मिनट इसकी एवरेज, 1 घंटा 15-20 मिनट में इसने कर काम। इसे तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल लेना। अच्छा, इन दोनों में सिर्फ फंक्शन एक जैसी है लेकिन टाइम और कीमत में फर्क? जी जी कीमत में फर्क है, कीमत में फर्क है। इसके हवाले से फार्मर को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो फार्मर वो ऐसे फार्मर जो जिनके थोड़े एकड़ कम है वो ये अफोर्ड नहीं करते, वो ये चीज में ये मशीन ले ले, बंदा पीछे चल के आराम से अपनी फसल काट लेता है, ठीक है। अगर जो किसान जिनके थोड़े रकबा जिनका ज्यादा है वो ये मशीन लाजमी ले। अच्छा, ये मशीन कितने हॉर्स पावर की है? ये मशीन 13 हॉर्स पावर की है और ये 15 हॉर्स पावर। अच्छा, मार्केट में 7 हॉर्स पावर की मशीन मौजूद है, इसमें और उसमें क्या जरा मेरे फार्मर को रहनुमाई कीजिए कि वो 7 हॉर्स पावर का ले मार्केट में जाए कि 13 हॉर्स पावर ले तो क्यों ले, बताइएगा। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, 7 हॉर्स पावर की जो मशीन है वो जोर कम लगाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, किसान परेशानी में आ जाता है, वो स्टार्ट नहीं होती फिर वो, और उसकी परेशानी की कोई चीज तोड़ देगी, रैपर छोटा लगा लेंगे, वो काम सही नहीं करेगी, ठीक है। मेरा ये मशवरा है कि 13 हॉर्स पावर वाली मशीन लें जो जानदार है, जोर ज्यादा लगाती है, टायर इसके अच्छे हैं, रैपर इसका अच्छा है और बेहतरीन अपना काम करें। इसका मतलब ये है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा हाँ, रोए एक बार, बिल्कुल। अच्छा, आप जब कोई फार्मर आपसे लेके जाता है उसको उसके हाल पर छोड़ते थे रोने देते हैं या उसकी कुछ पीछे बैकअप भी देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। जी बिल्कुल, जो साहब सबसे पहले तो उसको हम यहीं पर ट्रेन करते हैं कि मशीन को समझो चलानी कैसे है, ठीक है, सारी ट्रेनिंग उसको देते हैं, मशीन का ये गियर है, ये इसका ऑयल चेंज करना है, ये इसका फिल्टर साफ करना है, सारी रहनुमाई देते हैं। आफ्टर सेल पार्ट्स की दस्तियाबी है, जैसे कुछ चीज़ मसलन कोई चीज़ टूट देती है, कोई लीवर टूट जाता है, कोई क्लच केबल टूट गई है, तो ये वो चीज़ मिलती है हमारे पास। नहीं, अगर आपने कह दिया एक बंदा सिंध में बैठा है, यकीनन आपके क्लाइंट्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उसको जो वो बुक करवाए और वो उसको जो सीजन के बाद मिले तो उसको क्या पता है? क्या इस वाले से आपकी हिम्मत मिली क्या है? सर जी बिल्कुल, TCS सर्विस चढ़ती है, आपको पता ही है, विद इन, या अगर मैं यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, कराची भी माल अगर मैंने भेजना है तो ओवरनाइट सर्विस चलती है, आज करवाया कल उसके डोर स्टेप पर मिलेगा उसको, लेकिन मैं फिर भी 2 दिन का टाइम मांगता हूँ क्योंकि मसरूफियत होती है, नहीं भेज सके, ये भेज दिए थोड़ी लेट पहुंची है, 2 दिन के अंदर अंदर उसको कोई भी उसको टूटा हुआ वो उसके पहुंच जाएगा उसके पास। अच्छा, पाकिस्तान में इंपोर्टेड माल जरूर है, सब बेचते हैं, लेकिन सर्टिफाइड मशीनरी क्या आपकी सर्टिफाइड है या इस वाले से आप कुछ कहें? जी बिल्कुल चौधरी साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये बहुत सी चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं मौजूद हैं कि वो बड़ी नाकस, हम जैसे हमारा चाइना का नाम जेहन में आता है तो हम समझते हैं बड़ा मतलब बेकार माल होगा, लेकिन चाइना ही पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा माल, वो उसके कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे ये मशीन जो है यूरोपियन सर्टिफाइड है, नाज़रीन को नहीं पता यूरोपियन सर्टिफाइड क्या चीज़ है, यूरोपियन सर्टिफाइड
वो चीज़ होती एक सर्टिफिकेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ वाले उसको देते हैं कुछ कंपनीज को जो माल यूरोपियन कंट्रीज में भेज सकते हैं। जैसे हर माल कोई भी ऐसा वो बंदा उठा उसने रैपर बनाया वो नहीं भेजेगा, कंपनी है उसके SOPs होते हैं उसने फॉलो उस तरह वो माल बनाते हैं तो फिर वो भेज सकते हैं। इसलिए मैं कहा ये हमारी मशीन जो है वो यूरोपियन सर्टिफाइड है, उनका स्टैंडर्ड के माल है ये। इस हवाले से मुझे ये बताइए, एक फार्मर आपसे खरीद के ले जाता है वो क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से मशीन खराब हो जाती है, और उसको कौन से काम है जाके करे ताकि इसकी सर्विस भी बेहतर रहे और उम्र भी तवील हो। जी सबसे पहले बात, अगर वो गंदम काट रहा है ना तो इसका एयर फिल्टर जो होता है ना उसकी सफाई बहुत जरूरी है। एयर फिल्टर जैसे हम सांस लेते हैं हम पता नाक गंदा हो जाता है हम सफाई करते हैं, ठीक है। इसका समझे ये एयर फिल्टर जिसने सांस लेना मशीन ने, इसे फिल्टर को अच्छी तरह साफ करके लगाएं, इस फिल्टर के अंदर तेल भी डालते हैं उसको भी चेंज करते रहें, हर एकड़ के बाद इसकी सफाई करें। मतलब एक एकड़ कटाई करने के बाद फिल्टर चेंज होना चाहिए? नहीं चेंज नहीं, सिर्फ सफाई करनी, सफाई करें, सफाई करें। दूसरी एहतियात ये है कि टाइम से इंजन ऑयल चेंज करें। अगर मशीन टाइम लगना चाहिए, अगर मशीन आपकी नहीं है तो पहला इंजन ऑयल 1 घंटे बाद हम रिकमेंड करते हैं चेंज करें, उसके बाद दूसरा इंजन ऑयल 20 घंटे बाद चेंज करें, ठीक है। और उसके रीपर को चेन वगैरह को तेल वगैरह लगाते रहें ताकि लुब्रिकेशन और ग्रीस वगैरह लगाएं, ये एहतियातें करेंगे तो आपकी चीज सही चलती रहेगी। ये ग्रीस और ऑयल वगैरह ये सारी चीजें ये भी मतलब 24 घंटे या 2 एकड़ 10 एकड़ या किस कोई लिमिट है? मैं बताता हूँ, हर एकड़ के बाद ये काम करना आपने, इधर से फिल्टर सफाई करनी है, है। इधर आगे ब्लेड को भी तेल लगाना है और साथ चेन को भी तेल लगाना है। मतलब एक एकड़ के करने के बिल्कुल, बाद ये इसको बिल्कुल बिल्कुल अपने इसको तेल वगैरह अपने इंस्ट्रूमेंट ग्रीस फिल्टर सफाई अपने पास रखें, क्योंकि ये अगर ये चीजें करते रहेंगे आप यही मशीनरी देर पा चलती रहेगी। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ चीज महसूस हो रही, मेरी गलतफहमी अगर है तो दूर कर दीजिए, कोई गियर सिस्टम भी मुझे लग रहा है। जी जी बिल्कुल, ये गियर सिस्टम मौजूद है, 2 गियर इस मशीन के फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स गियर है, और बड़ा आसान है इसको चलाना। बंदे ने इसको दिखा नहीं मारना, बंदे ने इसके बिल्कुल पीछे पकड़ लेना, बंदे ने सिर्फ इसकी मोड़ कटवानी है, ठीक है। और इस मशीन ने खुद ब खुद चलना, आगे जोर खुद लगाना है इसने, बंदे का जोर नहीं लगता, सिर्फ बंदे ने इसको सिर्फ मोड़ कटवानी है, मोड़ कटवाते हुए हैंडल साइड पे करेगा तो मोड़ कट जाएगा। ये जो पहला गियर और दूसरा गियर का इस्तेमाल कब करते हैं? मैं बताता हूँ, ये मशीन जो है बाद में ये 2-in-1 मशीन बन जाती है। अगर आपको रैपर की जरूरत है तो आपने रैपर से गंदम काट लिया, बाद में इस मशीन के साथ हम गोडी का काम भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल, गोडी का नाजरीन अभी आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो गोडी करने वाली मशीन है साथ ये रैपर उतार के वहां पर टायरों के साथ लगाया जाता है, जरा वो भी जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, हैंडल जो है यहाँ से इसको खोलेंगे हम, हैंडल का रुख जो है इस तरफ आ जाएगा, रैपर आगे से ही खोल के ये वाला हिस्सा साइड पर रख देंगे, ये जो टायर नजर आ रहे हैं टायरों की जगह पे हम फाले लगा देंगे, जब हम फाले लगाएंगे फिर ये मशीन गोडी करेगी और बड़ा बेहतरीन गोडी करती है ये मशीन, ठीक है। अच्छा अब आप मेरे किसानों को कोई अपनी एंड से उनकी मतलब इल्म में इजाफे के लिए कोई टिप देना चाहे तो दीजिए। जी बिल्कुल देते हैं, सबसे पहले ये कि मैं मशवरा दूंगा किसानों को कि वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की खरीदें, ये ना देखा करें कि जब चीज़ खरीद रहे हैं हमने सस्ती चीज़ खरीदनी है। असल ये होता है कि मार्केट में लोग ऐसे बैठे हुए चीज़ तो सस्ती दे देते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होती। आप देखें कि क्वालिटी है, स्टैंडर्ड की चीज़ है, वो चीज़ खरीदें। कोई भी आप मसलन मेरा मैं नहीं कहता रैपर खरीद रहे, कोई भी खरीद रहे ना चीज़ तो आप क्वालिटी की चीज़ खरीदा करें। दूसरी बात ये कि जो भी किसान दोस्त हमारी ये मशीनें खरीदना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी सर्विस चलती है, आफ्टर सेल सर्विस चलती है, पार्ट्स मिल जाते हैं, और मैं कहता हूँ क्या ही बात है सर, क्योंकि हम किसान को चीज़ वो देते हैं जो उसके फ़ायदे की है। अगर वो कहते हैं ना किसान, जैसे कई दफ़ा मुझसे लोग पूछते हैं ये चीज़, जैसे रैपर बाइंडर की अगर बात करें, कोई काफ़ी फ़ोन कॉल्स मुझे आती हैं अभी हमें रैपर बाइंडर दें, हमें रैपर बाइंडर दें, तो मेरा उनको अभी यही मशवरा कि 3 से 4 साल अभी रुक जाएं, रैपर बाइंडर हम ज़रूर बेचेंगे अपने किसानों को। अगर कोई चीज़ मार्केट में अच्छी आएगी तो रैपर बाइंडर पिछले साल जो हमने बेचा है उसको वो जो नोट बनाने वाला उसका फंक्शन है वो ही ख़त्म हो जाता है, आउट हो जाता है, तो फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ का जो 7-8 लाख रुपये लगा के आप लें और बाद में वो चीज़ का आपकी फसल भी ना काटे और परेशानी लग बन जाए भी काट नहीं रही रखी है, मसले मसाइल गरारी नहीं मिल रही, उसका बेल्ट नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल हो जाते हैं उसके। जी नाज़रीन अभी आपने दानिश मिश्रा की सारी बातें सुनी, बिजनेसमैन है करना हक है सबका, लेकिन एक बात याद रखिए बिजनेस में वो कोई भी मजहब हो कोई मकतबा फिक्र हो झूठ फरार करना धोखा देना क्वालिटी गलत देना कहीं पर भी इसको जायज नहीं समझाएगा, इसको मना किया गया है और दीन इस्लाम में बिल्कुल मना किया गया है कि वो झूठ बेच झूठ बोलकर अपने माँ की खामियाँ छुपा कर बेचना फ्रॉड है। हम उम्मीद करते हैं इससे पहले ये इन्होंने हमारे कहने से पहले ही मार्केट में अपना एतमाद का नाम बरकरार रखा है। एग्रो पावर लोग आते हैं आँखें बंद करके ले जाते हैं
और बाद में वो इनको बैकअप भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ये हमारा बड़ा सेटअप है, ये इसकी वजह यही है कि वो झूठ नहीं बोलते। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल से जितने लोग यहाँ पर आए उनको ये मयार, ये क्वालिटी मिलेगी, और अगर ना मिले आप हमें बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। गलती हो सकती है, इंसान नहीं है जिसे गलती ना हो, लेकिन गलती पर कायम रहना और उस पर पर्दा डालना और उस पर इसरार करना वो फराद है। इंशाल्लाह अजीज इनकी दी हुई प्रोडक्ट्स हमारे चैनल पर चलती रहेंगी, हमारे मैगजीन पे भी ये सारे तौर पर चलता रहेगा। आपको ज़रूरत है कॉल कीजिए, दानिश मीर साहब आपकी बैक पर है और आपको हर वो चीज़ दे देंगे कि जो जदीद मशीनरी है वो जदीद उस वाले से। मार्केट में सब लोग मौजूद हैं लेकिन क्वालिटी कोई कोई देता है, जिम्मेदारी कोई कोई देता है, और सर्विस सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस भी कोई कोई देता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक छतरी के तले एग्रो पावर ये अपने फार्मर को, अपने क्लाइंट्स को पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर देती है। अगर नहीं यकीन आता एक दफ़ा रब्ता कीजिए, कोई चीज़ लीजिए, वो एक रेंज से लेकर पीएच मीटर से लेकर और कटाई मशीन तक, साली मशीन कोई भी है जो मशीनरी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से इस्तेमाल होती है वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। हम आपको गाय बगैर तारफ करवाते रहेंगे, लेकिन जब तक के लिए आज की वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइनल।